हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज बेटे हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले आपको दो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, शायद आप सभी ने फिर नोटबुक में अच्छी तरह से उसको कंप्लीट कर लिया होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज किया जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन है, जो मल्टीप्लाई हम करते हैं उसका यूज किया जाएगा। उसके लिए कुछ बातें ये है, प्रोडक्ट ला इसको बोलते हैं। यदि दो डिजिट है और वो नेगेटिव है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका निशान जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। इसी प्रकार यदि दोनों डिजिट पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान नेगेटिव होगा। अगर दो डिजिट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में एक नेगेटिव है, चाहे वो फर्स्ट नेगेटिव है चाहे वो सेकेंड नेगेटिव है, तो उसमें निशान आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उसके बाद एक बोधमास वाला फार्मूला यूज किया जाता है, इसको हम वैसे बदमाश भी कह देते हैं या बोर्ड मास कहते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास में बी जो फोर है वो ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट इस प्रकार की होती है, देखिए इसको हम कहते हैं बार ब्रैकेट, बार, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्मॉल, इसको कर्ली और इसको बी। क्या दोबारा लिखिए, बार स्मॉल कर्ली एंड बिग, बिग कर्ली स्मॉल एंड बार, ओके। इसी प्रकार ऑफ, इससे पहले आपको एक्सरसाइज के अंदर और इस एक्सरसाइज में इसका यूज किया जाएगा। ऑफ मींस यहां पर मल्टीप्लाई होता है, क्लियर। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। Okay, तो ये इस प्रकार से इसका यूज के अंदर किया जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं, इसका फर्स्ट बार कि 1/4 ऑफ, अब इसमें ए भाग, ए पार्ट है 1/4, बी पार्ट है 3/5 एंड सी पार्ट है 4/3। तो हम ए पार्ट यदि लें, ए पार्ट ये ले रहे हैं, तो 1/4 ऑफ 1/4, ये 1/4 है, तो ऑफ मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ 1/4 × 1/16 आंसर। इसी प्रकार इसका बी पार्ट यदि हम लेते हैं तो 1/4 × 3/5, तो इसका यदि हम लें तो 1/4 × 3/5, तो यहाँ पर अगर ये 3 3 क्या होगा। इसमें ध्यान देना है, अपर वाली जो डिजिट होती है, अपर ऊपर की तरफ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे जो होती है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो मल्टीप्लाई होगी वो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। इसके अंदर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एक ही डिजिट से डिवाइड करेंगे, चाहे वो न्यूमरेटर इसका है चाहे इसका है डिनोमिनेटर, चाहे इसका डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, कोई भी वो हो सकता है, तो वो उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका 20 आंसर, ओके। अब इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट यदि इसका करना है आपने, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें 1/4 ऑफ 4/3, तो यहां पर 1/4 × 4/3। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो ये 4 है और यहां पर भी 4 है, चाहे वो इस प्रकार से है चाहे अपोजिट है, तो 4 × 4 = 1, ठीक है। 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये आपका आंसर, ओके, क्लियर। ये ध्यान देना है आपने, आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हमारे पास आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपने इसी प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन का इसमें यूज हो सकता है,
इसके अंदर आपको मिक्स फ्रैक्शन यूज किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन सेकंड है, इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मींस अगर वो डिवाइड होते हैं तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ए पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो फर्स्ट हम रिमूव करेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान देना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ही ऐड कर देंगे और डिवाइड में भी 3 आएगा इसका, और 3 2 6 और 2 8 8/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए आगे, तो 2/3 और 8/3। अब ये अपोजिट भी नहीं डिवाइड हो सकते, अप और डाउन भी नहीं हो सकते डिवाइड किसी, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो नहीं डिवाइड हो सकता। अगर डिवाइड नहीं होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 16 और 3 3 9, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया आप सभी को ये? अब आप देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई करना है तो दी हुई फ्रैक्शन है 2/5, 5/1/4। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि यदि मिक्स फ्रैक्शन आती है उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस के अंदर, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी चीज होती है। तो आप इसको क्या करेंगे, 4 × 5 और प्लस में 1/4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 20 5 10 5 15 और 5 40 और 20 और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास होगा 21/4। अब इसके अंदर इसको 2/5 और ये हमारे पास 21/4। अब ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये डिवाइड हो सकता है 2 × 2 और पर्सनल नंबर के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।